किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है। चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा है। और मां बाप का कहना है कि उन्हें रात भर कोई आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आई? क्या मतलब आवाज नहीं आई? कमरे की हालत तो देखिए। मैं भी यही सोच रहा हूं। प्रश्ला, सुनो, इन निशानों का भी फॉरेंसिक जांच करो। सर, सर मेरे ख्याल से शिवानी ने वनराज फिर से वनराज सर ट्रस्ट भी है। मैं और शिवानी मिलकर कुछ सिंबल्स इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो सिंबल्स, वनराज, ये सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सर। ठीक है, जो भी ये वनराज है, आदमी, गैंग या किसी का कोड, ढूंढो उसे। एक ऑफिसर को मारा है उसने, बचना नहीं चाहिए। सुबह उठ के देखा तो मैं हमेशा से जानती थी ऐसा होगा। मेरे दोनों बच्चों को भगवान ने अपने पास बुला लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई। देखिए, आप दोनों पर इस वक्त क्या बीत रही है इसका मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता, पर इतना वादा करता हूँ कि जिसने भी ये शिवानी के साथ किया है उसे सजा दिला कर रहूंगा। बस आप अपने आप को संभाल लीजिए। विशाल, ये एसीपी शिवानी का फोन है, इसे थरली चेक कर लो। कॉल्स, मैसेजेस, सब कुछ। कल रात के बारे में कोई भी क्लू मिले मुझे इमीडिएटली कॉल करना, व्हाटएवर द टाइम। सर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा सर। एक तो ये फोन पूरी तरह डैमेज्ड है, और अगर शिवानी मैम ने इस पर कोई पासवर्ड लगाया है तो उसको क्रैक करने में तो टाइम जाएगा ना सर। टाइम ही बहुत कम है तुम्हारे पास विशाल। आई वॉन्ट रिजल्ट, इमीजिएट रिजल्ट। छोड़ दो मुझे, वो भाग जाएगा। ओए, चुप कर, इसे थाने लेके चलो। तेरी बाकी की हीरो गिरी ना, अब भाव उतरेगी। मैंने तो बस रूल्स फॉलो किए थे, और ये आदमी विक्रांत, ये वहाँ पर सिविलियन कपड़ों में तो था। क्या अंडरकवर जाते समय पुलिस की वर्दी में जाता? गलती तो मेरी है। ये एडमिट कर रहा है गलती अपनी सर। जेल में मेरे साथ एक और आदमी था, पिंटू नाम था उसका। पूरा नाम उसका जीवन मात्रे था। जोशी,
सुन, पिंटू को तो तू जानता ही होगा ना, इन्फॉर्मर था। हाँ, उसके एक जोड़ीदार का नाम मिला है, नवीन झा, ड्रग डीलर था। शिवानी और सिद्धन साहब के बाद ये आखिरी लिंक है। आधा घंटा है तेरे पास। बोल जोशी। पता चल गया सर, नवीन एक नंबर का चर्सी बन चुका है। कभी रेलवे ट्रैक के पास, कभी फ्लाईओवर के नीचे, छुप छुप के जगह बदलते रहता है। किसके डर से छुप रहा है ये पता नहीं। मुझे पता है वो किससे छुप रहा है। चल। क्या बात करें, कभी तू थोड़ा देर खाली मिला था शाम को जब आ रहा था तो। क्या है? कह रहे तुम दोनों में से नवीन कौन है? नवीन वो रहा था। नवीन, ए नवीन, रुक। साहब, या मुखिया और बंदूक से किसको डराते हो? डराना है ना तो पीले आंख वाले को डराओ। पीले आंख वाला वनराज कहाँ मिलेगा? वनराज उसे ढूंढोगे और ये बंदूक से डराओगे? उसे कोई भी नहीं ढूंढ सकता, वो सबको ढूंढता है। एक बार साहब तुमने उसे देख लिया ना तो वो भी तुम्हें देख लेगा, और एक बार साहब तुमने अगर उसके बारे में जान लिया ना तो वो भी तुम्हारे बारे में जान लेगा, और फिर उसके बाद उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा। फिलहाल तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। चल वनराज के बारे में सब सच सच उगल दे, वरना जान से मार दूंगा तुझे। वो आपको वो भी नहीं करने देगा, क्योंकि मेरी मौत है ना उसके हाथों से लिखी है। हाँ, लेकिन अभी भी आपके पास वक्त है। हाँ। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, माफ कर दो मुझे। ये आया था मेरे पास, माफ कर दो मुझे। नवीन, ये सब कैसे? बचा लीजिए अपने आप को। पीली आंख वाली से भाग जाइए। सर, बाय एनी चांस आपने गाड़ी का नंबर नोट किया क्या? कौन सी गाड़ी? वही गाड़ी सर जिसने इसको टक्कर मार के गई। कोई गाड़ी नहीं थी। आई एम सॉरी सर, बट बॉडी की कंडीशन देख के तो ऐसा लग रहा है किसी बड़ी गाड़ी ने बहुत जोर से टक्कर मारी। अरे मैंने बोला ना कोई गाड़ी नहीं थी। ओके, सॉरी सर। हाँ विशाल बोल। शिवानी मैम के फोन से कुछ डेटा रिकवर हुआ है, आई थिंक यू शुड कम ओवर। ठीक है, आ रहा हूँ। सही है, एक वीडियो रिस्टोर किया है शिवानी मैम के फोन से, जो कि 3:33 AM को रिकॉर्ड किया गया था, और यही इस फोन की लास्ट एक्टिविटी है। आई थिंक शिवानी मैम टॉर्च ऑन करना चाह रही थी और गलती से कैमरा ऑन हो गया। हो जाता है कभी कभी।
हम शिवानी की बात कर रहे हैं। अगर उसने कैमरा ऑन किया था तो वो चाहती थी कि हम ये फुटेज देखें। इसे प्ले करो। वो ब्लैक मार्क्स असल में किसी के पैरों के निशान थे। और फोन इस वजह से टूटा है। अगर ये तो शिवानी की ओर जा रहे हैं। एक काम करो, ये वीडियो रिवर्स में प्ले करो। वनराज सर। नहीं कुछ नहीं। अच्छा सर एक और बात, शिवानी मैम के फोन पर 155 AM को किसी प्रोफेसर चैटर्जी का कॉल आया था, ये मैंने नंबर निकाला है, देख लीजिए। थैंक यू विशाल। प्रोफेसर चटर्जी। अरे प्रोफेसर कहाँ हैं आप? जहन्नुम में। उफ क्या है, हम मुर्गी हैं क्या? इतने बार घंटी क्यों बजाते हो तुम? अरे नहीं प्रोफेसर, मैं आपको फोन कर रहा था, फोन नहीं उठा रहे थे और आपने दरवाजा भी नहीं खोला तो मुझे लगा कि क्या क्या लगा घूम चलो मम्मी, मतलब हम घूम कर रहा था, ऐसा नहीं लगा आपको डिस्टर्ब किया? क्या आप घूम रहे थे घर में? हे भगवान, घूम चिलाम घूम स्लीपिंग समझा, बोलो क्या काम है? हाँ आपने शिवानी को कॉल किया था, कुछ पता चला? अरे तुम्हारा वो रूड लड़की हमारा फोन नहीं उठाता है और तुमको बार बार भेजता है। हाँ प्रोफेसर, आपने शिवानी को क्यों कॉल किया था? ओ हाँ, वो तुम्हारा वो निशान हाँ, उसका फोटो किधर है? क्या एक मिनट हम देखता है, इधर ही रखा था, किधर गया? अरे किधर गया? हाँ, देखो ये निशान वाला फोटो हम हमारा बहुत प्रोफेसर को भी भेजा है और कुछ कॉलिग को भी शेयर किया है। अब उनमें से एक डॉक्टर विश्वास है जो बोला एग्जैक्ट ऐसा निशान उसको राजस्थान में मिला है। नाम भी बोला था, हम भूल गया क्या बोला था, दरो हम याद करके बोलता है तुमको। हाँ हाँ दीवाना क्या? ना ना सॉरी शिवाना। उधर एक रामेश्वर शिशु मंदिर है, उधर ऐसा निशान है। शिवाना। थैंक यू प्रोफेसर। एक मिनट रुको, तुम हमको बोलता है हम तुम्हारा फोन नहीं उठाता है, तुम्हारा वो शिवानी भी तो हमारा फोन नहीं उठाता है, क्यों? शिवानी की आज सुबह डेथ हो गई प्रोफेसर। की? मुड़े गए? मर गया? ओह माय गॉड, कैसे? हाउ? वही पता लगाना है।
शिवाना राजस्थान। हेलो सर, मुझे जल्द से जल्द शिवाना निकलना पड़ेगा, रामेश्वर शिशु मंदिर। रामेश्वर शिशु मंदिर? सर ये वही जगह है जहाँ पे सिद्धांत का पहला अजीब केस हुआ था। राजस्थान में एक अनाथाश्रम जलकर पूरा खाक हो गया था, और जिन सिंबल्स को हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो सिंबल्स उस आश्रम की दीवार पर भी पाए गए थे। आई सी, ठीक है विक्रांत, उस गैंग को रोकने के लिए तुम जो चाहो कर सकते हो, अटैक करो, एनकाउंटर करो, एनीथिंग। जी सर। शिवाना की लोकल पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, असिस्टेंस मिल जाएगी। लेकिन विक्रांत संभल के, उस गैंग का अगला टारगेट तुम हो सकते हो। सो यू हैव टू बी केयरफुल। डोंट वरी सर, आई विल बी केयरफुल। गुड नाइट। जय हिंद साहब, शिवाना पुलिस चौकी से कांस्टेबल बलराम चौधरी रिपोर्टिंग सर। हरी चौहान रिपोर्टिंग सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं सर? जय हिंद। रामेश्वर शिशु मंदिर जाना? वो खंडहर सर, माफ कीजिए साहब, 20-25 साल पहले वो अनाथालय जल गया था, वहाँ कोई आता जाता भी नहीं है, और कोई बिल्डिंग बनाना चाहता था, कोई स्कूल, मगर आज तक कोई बना नहीं पाया। हाँ जी सर, जानता हूँ, वही जाना है। सर वो गांव वाले कहते हैं कि वहाँ पे भूत प्रेत भी हैं। ये बकवास कर रहा है? कुछ नहीं सर, वैसी बकवास कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बकवास है, अब चलें। सर सर हम आपको रास्ता बता देते हैं, आप चले जाइएगा। वैसे गांव वालों की बातें भी बिल्कुल बकवास ना है सर, और कोई हुकुम हो तो कहो सर। अनबिलीवेबल। चाबी दे।
माफ करना सर। हुकुम मैंने भी माफ कर दो। कौन है तुम लोग? इस खंडर में क्या कर रहे हो? हमारा नाम मगनी राम है। हम ठेरे बणजारे गांव गांव शहर शहर घूमते रहते हैं। इधर आए ये खाली देखी साहब, राजस्थान में बहुत ठंड हुए साहब, इसलिए अठे रुके। कब से रह रहे हो यहाँ पे? हुकुम एक दो दिन हुआ है। हमारी छोरी रूपा बहुत छोटी है ना हुकुम, इसकी तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए अठे रुके। ये कहाँ गई? थानेदार साहब बस यहीं बाहर खेलती रहती है। से बात कर रही हो बेटा? सुमन से, बारी दोस्त। सुमन कहाँ है? वहां पे तो कोई नहीं है। से किससे बातें कर रही है? सुमन से। लेकिन सुमन तो यहाँ है नहीं, हमने हर जगह चेक कर लिया। क्या हुआ? सुमन कह रही है थारा यहाँ आना उसको पसंद नहीं। और अगर हम यहाँ से नहीं गए तो? सुमन कह रही है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो बहुत बुरा होगा। अच्छा बुरा होगा? क्या बुरा होगा? अच्छा आप सुमन से पूछिए ना कि वो हमसे बात क्यों नहीं करती। क्योंकि तुम उसको पसंद नहीं। अच्छा हम पसंद नहीं, फिर तो थानेदार साहब हमारी छोरी ने आपको परेशान तो नहीं किया? नहीं, लेकिन ये हमेशा से ऐसे अकेले में बातें करती है। अरे हुकुम एक ही तो छोरी है हमारी, पर हम ठेरे बणजारे गांव गांव शहर शहर घूमते रहे हैं हुकुम, तो हमारी छोरी के कोई दोस्त नहीं है, तो अकेले में ही खेल के खुश हो जावे है हमारी छोरी रूपा। चुप कर, ऐसे ना बोलते। क्या बोल रही है? कुछ भी बोलती है, बोल रही थी कि थानेदार साहब अगर यहाँ से नहीं गए तो यहाँ पे फिर से आग लगेगी साढ़ो बाद। ये
सब किसने कहा आपसे? सुमन ने? हुकुम, मारे से कोई गलती हो गई क्या? आपको देख के मारी छोरी डर गई है, उसे तो रहने ही दो हुकुम। जब से यहाँ आए छोरी बहुत बदल गई है, अजीब अजीब सी बातें करती है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की ऐसा क्यों करती? हम दोनों ने कोशिश की लेकिन कुछ नहीं बताती। थानेदार से, हमारी छोरी को आप ही देखो, हमें तो कुछ बताती ही नहीं, हो सके आप ही को कुछ बता दे, मने तो बहुत चिंता हो रही है सब। रूपा, रूपा, ऐसे क्यों बोल रही हो? चले जाओ वरना। वरना क्या? पीली आग वाला आएगा, सब जल जाएगा। पीली आग वाला आएगा, सब जल जाएगा। यो आग कैसे लग गई? पीली आग वाला आएगा, सब जल जाएगा। आग कैसे लगी? पता नहीं होगा, हम दोनों यहाँ बैठे थे कि अचानक आग लग गई। पीली आग वाला आएगा, सब जल जाएगा। रूपा ने भी यही कहा। रूपा, मारी रूपा। रूपा, 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 कौन है तुम और यहां पर क्या कर रही हो? हाथ नीचे करो। मेरा नाम आदिति है। शिवानी ने मुझे यहाँ भेजा है। शिवानी नाम की एक लड़की मेरे पास आई थी, उसने मुझे कहा कि मुझे यहाँ आना चाहिए किसी की मदद करने। क्या तुम ही विक्रांत हो? तुम शिवानी को कैसे जानती हो? जानती नहीं हूं मगर एक मुझे अजीब अजीब से सपने दिखते हैं। ऐसे ही एक सपने में शिवानी दिखी और उस
रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। मुझसे बेहतर कौन समझेगा? क्या कुछ है? आप प्लीज ये गन आज सुबह 4 बजे ही मुझे शिवानी दिखी थी। उसने मुझसे कहा कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पहुंचना है। आज सुबह? हाँ, मगर ये शिवानी है कौन? थी मेरी कलीग, दोस्त थी मेरी। शिवानी ने तुम्हें किसी वनराज के बारे में बताया? नहीं, किसी वनराज के बारे में कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि रामेश्वर शिशु मंदिर जाओ और विक्रांत की मदद करो। हुजूर, हुजूर, पूरी हवेली चार मारी पर मारी चोरी रूपा नहीं मिली। हुकुम मारी मदद करो। तुम घबराओ मत, इसी हवेली में कहीं होगी। ढूंढते, तुम आ जाओ। चलो तुम चलो। इनकी बेटी थोड़ी देर पहले इसी हवेली में कहीं खो गई है। रूपा, रूपा, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दे रही है? तुम्हें भी बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है? बच्चों की? तुम चले हुए लकड़ियों की बात कर रहे हो? यहां से विक्रांत, यहाँ पर काफी नेगेटिव एनर्जी है। जिस रूपा के बारे में तुम बात कर रहे हो वो खतरे में है। तुम्हें कैसे? मैं देख सकती हूँ, मुझे चीजें दिखाई देती है। Thank you.
आग जल जाएगा। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे हाथ तो पूरे जले हुए हैं, तुम ठीक हो? हाँ, दर्द हो रहा है, कैसे हुआ बाबा? तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे, चलो। हम सबको यहाँ से निकलना होगा, ये जगह बिल्कुल सेफ नहीं। चलो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आपने तुम्हारी चोरी की जान ही बचा दी। बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अबे मैं अटका ही नहीं था वापस। तुम अपना ख्याल रखना बच्चा। इसके सकूं? ये जगह श्रापित है, इसका भी कोई इतिहास होगा जो किसी ना किसी दिन समझ आएगा। तब तक कोई इसके आसपास ना आए तो ही अच्छा होगा। तुम ये सब, तुम हो कौन? एएसपी अदिति शर्मा, दिल्ली पुलिस। एसीपी विक्रांत सिंह, मुंबई पुलिस। जय हिंद सर। जय हिंद। चलो शिवानी, आज सवेरे तुमसे मिली? हाँ, उसका स्पिरिट काफी स्ट्रांग था, उसी ने मुझे आपके बारे में बताया। लेकिन तुम, कुछ बातें अनजान होती हैं, उसे समझना या समझाना मुश्किल है।